देखा है तो सिर्फ इसलिए देखा है क्योंकि सारी के बारे में क्या बोले। हाँ, इसलिए आया है क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि खेसारी लाल यादव जी के बारे में पवन सिंह क्या बोले हैं, और उन्होंने पवन सिंह के पास गायकी छोड़ के है क्या उनके पास। एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं खेसारी लाल यादव। अब इधर से गुरु भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ना हो तो यार इंडस्ट्री चलेगी नहीं। हाँ, ऐसा मानना है हमारा, नहीं लोगों का। मतलब जब से शुभांकर मिश्रा के साथ में पवन सिंह का पॉडकास्ट आया है उसके बाद से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब हर जगह खाली पावर स्टार पवन सिंह, पवन सिंह। हालांकि एक लकीर पवन सिंह खींच दिए क्योंकि 5 घंटे में 1 मिलियन व्यूज इंटरव्यू, लोगों का गाना नहीं जाता है 5 घंटे में 1 मिलियन, और यहाँ पे इंटरव्यू जो है 5 घंटे में 1 मिलियन, ये भी एक लकीर था। उसके बाद पवन सिंह के फैंस एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पावर स्टार लकीर खींच दिए, और उधर से खेसारी लाल यादव जी का कल इंटरव्यू आया है। हाँ, एक इंटरव्यू आया है अयोध्या टाइम्स में, उस पे जो है साफ साफ खेसारी लाल यादव जी का बयान है। व्यूज इसलिए आया है क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि खेसारी लाल यादव जी के बारे में पवन सिंह क्या बोले हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि पावर स्टार पवन सिंह, यानी पवन सिंह के पास गायकी छोड़ के है क्या उनके पास। तब से चर्चाएं का मतलब कल से विषय बन गया है गुरु। अयोध्या टाइम्स से इंटरव्यू है रवि भट्ट के साथ में, और खेसारी लाल यादव जी का ऐसा ऐसा तगड़ा वाला बयान है पावर स्टार पवन सिंह के लिए। तब से जो है एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं खेसारी लाल यादव। अब इधर से फैंस उनके पीछे पड़े हुए हैं और उधर से इनके पीछे।